आज मैं काफी दिनों के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। आज के वीडियो में मैं मेरा पुश डे की वर्कआउट रूटीन आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि काफी सारे लोग मेरा पुश डे की वर्कआउट्स पूछ रहे थे, तो आज उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास सिल्वर प्ले बटन आया है, अभी 3 वीक से ज्यादा हुआ है, पर अभी तक मैं उसे अनबॉक्स नहीं किया हूँ। आज उसे भी अनबॉक्स करते हैं जिम जाके आने के बाद। अभी मैं जाके प्री वर्कआउट मील बनाऊंगा एंड उसे खा के मैं जिम जाता हूँ। जिम जाने से पहले एक प्री वर्कआउट मील खा के जाना, इससे आपको अच्छा एनर्जी भी मिलेगा और आप अपने वर्कआउट को भी कंप्लीट कर पाओगे। कभी प्री वर्कआउट मील को स्किप मत करना। मैं मेरा प्री वर्कआउट में 3 होल एग्स एंड 150 ग्राम राइस, उसके साथ थोड़ा सा वेजिटेबल खा के जाता हूँ, और मैं इसे कभी मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि विदाउट प्री वर्कआउट मील मुझे जिम में अच्छा एनर्जी फील नहीं होता है। इसलिए मैं हमेशा एक हाई प्रोटीन मॉडरेट का प्री वर्कआउट मील खा के जाता हूँ। मैं अभी फैट लॉस कर रहा हूँ, इसलिए जिम जाने से पहले मसल बेस की लिक्विड एल-कार्निटिन पी के जाता हूँ। ये फैट लॉस को प्रमोट करता है एंड एथलेटिक परफॉर्मेंस को भी एनहेंस करता है। इसलिए मैं जिम जाने से 1 आवर पहले 15 ml एल-कार्निटिन पी के जाता हूँ। तो आपको चाहिए तो ये मसल बेस की वेबसाइट में मिल जाएगा एंड मेरा कोड यूज़ करना धनुष MB, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। अभी मैं इसे पी के मेरा प्री वर्कआउट मील कंप्लीट करके जिम जाऊंगा, और उसके बाद घर आके मुझे इसे भी अनबॉक्स करना है। काफ़ी दिनों से वेट कर रहा हूँ, अभी तक इसे अनबॉक्स नहीं किया हूँ, तो आज करते हैं फाइनली। 2 दिन से लगातार बारिश आ रहा है, पर जिम मिस करने की मन नहीं करता, इसलिए मैं जिम आ चुका हूँ। और आज की वर्कआउट को मैं अभी स्टार्ट करूँगा वार्म अप करके। वार्म अप पे मैं पुशअप्स एंड पुलअप्स करता हूँ, और उसके बाद थोड़ा स्ट्रेचिंग करके वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा वार्म अप करता हूँ। वार्म अप करने से इंजुरी की चांसेस बहुत कम होता है। पुलअप्स का मैं 10 रेप्स का 2 सेट करता हूँ एंड पुशअप्स की 20 रेप्स की 2 सेट करता हूँ। पुश डे में शोल्डर इंजरी की चांसेस ज़्यादा रहता है, इसलिए शोल्डर मोबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करने के लिए मैं शोल्डर रोटेशन करता हूँ रॉड यूज़ करके। मेरा वार्म अप कम्प्लीट हो चुका है, अभी स्मिथ मशीन यूज़ करके मैं बेंच प्रेस करता हूँ, अपर बेंच प्रेस। तो अभी मैं वर्कआउट स्टार्ट करूँगा, फर्स्ट अपर बेंच प्रेस, उसके बाद अपर डंबल प्रेस, और थर्ड वर्कआउट में केबल फ्लाइज करता हूँ। अपर बेंच प्रेस का मैं 8 से 12 रेप्स का 4 सेट करता हूँ। मैं हर सेट में 5-5 kg इंक्रीज़ करता हूँ, तो अभी 25-25-50 kg प्लस रॉड की 20 kg, टोटल 70 kg। सेकेंड सेट में मैं 70 kg में 10 रेप्स किया था। मैं हर सेट में फेल्योर तक जाने की ट्राई करता हूँ, इससे मैक्सिमम पंप मिलता है। ये मेरा थर्ड सेट है, इसमें मैं फिर से 5 kg ऐड कर रहा हूँ। वेट आप इतना ही चूज़ करना जिससे आप 10 से 12 रेप्स के बीच में फेल्योर रेट कर सकते हो। हर सेट में फेल्योर तक जाने से आपकी मसल ग्रोथ में हेल्प मिलता है, इसलिए मैं हर सेट में फेल्योर तक जाने की ट्राई करता हूँ। एंड ये मेरा तीसरा सेट है 80 kg का। ये मेरा लास्ट सेट है, इसमें मैं फिर से 5 kg ऐड कर रहा हूँ। एंड लास्ट सेट में मैं 8 रेप्स किया था, इसमें 6 गोल रहेगा। अभी 90 kg ट्राई करते हैं कितना रेप्स होगा करके। वर्कआउट के बीच में हमेशा पानी पीना, पानी कम पियोगे तो हैवी वेट करते समय प्रॉब्लम होता है, इसलिए हमेशा पानी पीना। वर्कआउट के बीच में रेस्ट लेते रहना, इससे आपको थोड़ा एनर्जी मिलेगा एंड आप नेक्स्ट लिफ्ट को अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। 4 सेट में मैं 6 रेप्स किया था, वो भी मुश्किल से किया था, इसे बोलते हैं फेल्योर हिट करना। फर्स्ट वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है, मैं इसकी 4 सेट कंप्लीट कर चुका हूँ। सेकेंड वर्कआउट में अपर डंबल प्रेस करता हूँ, तो सीधा डंबल प्रेस की उधर जाते हैं। मैं इंक्लाइन डंबल प्रेस करता हूँ क्योंकि मेरा अपर चेस्ट वीक है। इसके भी मैं 8 से 12 रेप्स की 3 सेट करता हूँ, और इसमें भी फेल्योर तक जाने की ट्राई करता हूँ। ये मेरा जिम की सबसे बड़ा डंबल है, इसको बहुत कम लोग उठाते हैं, तो ट्राई करता हूँ इसमें 8 रेप्स करने की, देखते। जब मैं जिम ज्वाइन किया था तब सोच रहा था कि मैं भी 30 kg के डंबल कभी ना कभी उठाऊंगा। आज 6 साल बाद इस डंबल को उठा रहा हूँ एंड 8 रेप्स किया मैं उसे यूज़ करके, मज़ा आ गया। अभी एक लास्ट वर्कआउट बचा है, केबल फ्लाइज, उसे करते। चेस्ट की थर्ड वर्कआउट है केबल फ्लाइज, मैं इसे लोअर चेस्ट के लिए करता हूँ, लोअर एंगल पे। इसके भी मैं 12 से 15 रेप्स करता हूँ, 3 सेट करता हूँ।
केबल फ्लाइज चेस्ट के लिए वन ऑफ द बेस्ट आइसोलेशन वर्कआउट है। केबल फ्लाइज करते समय हमेशा कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेच पे ध्यान देना, इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। मेरा चेस्ट वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है, अभी मैं शोल्डर ट्रेन करता हूँ। शोल्डर के लिए मैं मिलिट्री प्रेस करता हूँ फर्स्ट वर्कआउट स्मिथ मशीन यूज़ करके। मिलिट्री प्रेस वन ऑफ द बेस्ट कंपाउंड शोल्डर वर्कआउट है, ये फ्रंट डेल्ट को टारगेट करता है एंड ऑल्सो ये मेरा फेवरेट वर्कआउट है। इसके मैं 10 to 12 रेप्स की 3 सेट करता हूँ। स्मिथ मशीन में शोल्डर प्रेस की 3 सेट कंप्लीट करने के बाद मैं लैटरल राइजेस करता हूँ डंबल यूज़ करके, इसमें भी मैं फेल्योर तक जाता हूँ और रेप्स मेरा 10 to 15 के बीच में रहता है। ये मेरा शोल्डर की लास्ट वर्कआउट है चेस्ट सपोर्टेड रियर डेल्ट फ्लाइज, इसके भी मैं 3 सेट ही करता हूँ, रेप्स 10 to 12 ही है। रियर डेल्ट को टारगेट करता है। पुश डे में मैं लास्ट में ट्राइसेप्स ट्रेन करता हूँ, इसके लिए मैं ओवरहेड ट्राइसेप्स केबल एक्सटेंशन करता हूँ। इसके लिए आपको ऐसा करना होगा एंड इसके भी मैं 10 to 12 रेप्स की 3 सेट करता हूँ। ये मेरा फर्स्ट वर्कआउट है, सेकेंड वर्कआउट सेम है, केबल को ऊपर लाके केबल एक्सटेंशन करना है, इसके भी 10 to 12 रेप्स की 3 सेट करता हूँ। तो ये था मेरा पुश डे के वर्कआउट। ट्राइसेप्स के लिए मैं 2 वर्कआउट करता हूँ, शोल्डर के लिए 3 वर्कआउट करता हूँ एंड चेस्ट के लिए भी 3 करता हूँ। पुश डे के वर्कआउट्स के बाद मेरा अपर बॉडी में बेस्ट पंप आता है, आप देख सकते हो एकदम 3D दिख रहा है चेस्ट एंड शोल्डर्स। एंड ऑल्सो मैं एक नेचुरल कॉम्पिटिशन में कॉम्पीट कर रहा हूँ इस साल के एंड में, उसकी प्रेप में अभी अगस्त से स्टार्ट करूँगा। आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो एंड ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के बारे में चाहिए वो भी आप बता सकते हो। आज बारिश की वजह से ठीक से वीडियो नहीं बना पाया, फिर भी कुछ तो बनाया हूँ क्योंकि इधर लाइट कम है और बाहर ज़्यादा बारिश आ रहा है एंड ये लाइट में उतना अच्छा नहीं आ रहा है जितना नॉर्मल सनलाइट में आता है। तो अभी मैं सीधा घर पे मिलूँगा, जिम से घर आते वक्त शाम हो गया था, अभी भी बाहर बारिश आ रहा है एंड आज फाइनली मेरा सिल्वर प्ले बटन अनबॉक्स करते, ये मेरे पास आके 3 वीक्स हुआ है। मैं सोचा नहीं था कि मेरे पास सिल्वर प्ले बटन इतना जल्दी आएगा क्योंकि मेरा गोल था इस साल के एंड तक 20K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना, पर आप लोगों के सपोर्ट से ये मेरे पास आया है, इसलिए थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। तो अभी से अनबॉक्स करते, अभी से ओपन करता हूँ मैं। इसके ऊपर कुछ ऐसा एक फोम है, ये डैमेज नहीं होना चाहिए इसलिए लगा है शायद, और 2 छोटा छोटा कार्ड है, इसके थ्रू YouTube ने मुझे कंग्रेचुलेट किया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है आज। एंड ये मिलने में मुझे 3 साल लगा, ये मेरा सेकेंड चैनल के लिए मिला है, इससे पहले और एक चैनल था उसमें करीब 2000 सब्सक्राइबर थे, उस चैनल पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहा था और वो ऑलमोस्ट डेड हो गया था। मैं वीडियो डाल रहा था फिर भी उसमें व्यूज़ नहीं आ रहा था, इसलिए 2020 की नवंबर में मैं उस चैनल को डिलीट करके ये नया चैनल ओपन किया था। ये चैनल अभी ऑलमोस्ट 300K हिट करने वाला है एंड अपना ये सिल्वर प्ले बटन आया, इसमें लिखा है प्रेजेंटेड टू धनुष अमीन फॉर पासिंग 1 lakh सब्सक्राइबर्स। यह है मेरा सिल्वर प्ले बटन, इसकी अनबॉक्सिंग हो गया है। इसे मैं ऐसे जगह में रखूँगा जिधर मैं रोज इसे देख पाऊँगा क्योंकि इसे देख के मुझे मोटिवेशन मिलेगा अभी से वीडियोस बनाने के लिए एंड इसके बाद भी हमें और माइलस्टोन अचीव करना है। थैंक यू सो मच वंस अगेन जितने भी लोग मुझे सपोर्ट किए। इसकी अनबॉक्सिंग हो चुका है तो इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ मैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर।